25 साल बाद मुलायम मायावती एक मंच पर नजर आएंगे, मैनपुरी में दोपहर 12 बजे गठबंधन की रैली। यूपी के सीएम योगी की आज 5 रैलियां, संभल, फिरोजाबाद, इटावा, हरदोई के अलावा महाराष्ट्र के पालघर में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र में रैली, बारामती में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज अमेठी और कानपुर के दौरे पर, कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीप्रकाश जायसवाल के समर्थन में रोड शो करेंगी। अमर सिंह आज यूपी के रामपुर दौरे पर, बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के पक्ष में 2 चुनावी सभा करेंगे। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, देशभक्ति कोई बीमारी नहीं, उग्र राष्ट्रवाद देशभक्ति को गाली देने के लिए गढ़ा गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हम देश की अखंडता और गौरव को बचाने के लिए खड़े हैं। पीएम मोदी आज कारोबारियों से बातचीत करेंगे, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में शामिल होंगे। दूसरे चरण में 95 सीटों पर 67% से ज्यादा मतदान, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग। असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में 76% से ज्यादा मतदान हुआ, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 70% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 45.7% वोटिंग, उधमपुर सीट पर 70% मतदान, जबकि श्रीनगर में सिर्फ 14.8% वोटिंग हुई। श्रीनगर के कुछ पोलिंग बूथ्स पर पथराव, पथराव की वजह से फीका रहा मतदान, 10 पुलिस वाले घायल। श्रीनगर के 90 पोलिंग बूथ पर नहीं आया एक भी वोटर, जिसमें गांधरबल के 27 मतदान केंद्र शामिल हैं। यूपी के बुलंदशहर में बीएसपी समर्थक ने अपनी उंगली काट ली, गलती से बीजेपी को वोट दे दिया था। मथुरा में बीजेपी नेता रामजी लाल पर जानलेवा हमला, फरार हमलावरों की तलाश जारी, चुनावी रंजिश का अंदेशा। प्रत्याशी बनते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ी, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर किसी तरह का रोक नहीं लगाएगा चुनाव आयोग, तस्लीम पूनावाला ने चुनाव लड़ने पर रोक के लिए चुनाव आयोग से मांग। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी एक आतंकी आरोपी को प्रत्याशी कैसे बना सकती है। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष ने थाने में युवक को थप्पड़ मारा, प्रद्युत देव बर्मन के काफिले पर पत्थर मारने का आरोप। अखिलेश और डिंपल के पास 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, 7 साल में 3 गुना बढ़ी अखिलेश यादव की संपत्ति। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा ये चुनाव वाले चाय वाला और दूध वाले के बीच है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर वार, कहा कश्मीर का मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। आतंकी मसूद अजहर पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान का बयान, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत ने पाकिस्तान से एलओसी के जरिए होने वाले व्यापार पर लगाई रोक, कारोबार की आड़ में पाकिस्तान से अवैध हथियारों की तस्करी हो रही थी। केदारनाथ में 5 से 6 फीट बर्फ जमा, कड़ाके की ठंड में बर्फ हटाई जा रही है।